नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते खबरों की ओर। बांका में सदर अस्पताल के सफाई कर्मियों के साथ संवेदक ने वादा खिलाफी कर काम से निकाल दिया, जिसके बाद सफाई कर्मी डीएम से फरियाद करने समाहरणालय पहुंच गई। सदर अस्पताल के पुराने सफाई कर्मी नए संवेदक के आने के बाद खासे परेशान है। वर्ष 2006 से सदर अस्पताल में काम कर रहे 20 सफाई कर्मियों को 7,500 प्रतिमाह मिलता था। नए संवेदक ने 9,000 देने का वादा तो किया, लेकिन 4 दिन बाद ही अपने वादे से मुकर गया। नए सफाई कर्मी बहाल सफाई कर्मियों से नए संवेदक ने 4 दिन काम करने के बाद मात्र 7,000 देने का फरमान सुना दिया। जब पुराने सफाई कर्मियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए नए सफाई कर्मी को बहाल कर दिया गया, जिसके बाद सफाई कर्मी डीएम से फरियाद करने समाहरणालय पहुंच गए। विरोध करने पर काम से निकाला। साल 2006 से सदर अस्पताल बांका में काम कर रही महिला सफाई कर्मी सुष्मी देवी ने बताया कि पहले उन्हें 7,500 रुपए प्रतिमाह मिलता था। नए संवेदक ने 9,000 देने का वादा किया, 4 दिन काम करवा भी लिया, उसके बाद वादा खिलाफी करते हुए मात्र 7,000 देने की बात कही। जब तमाम सफाई कर्मियों ने जब विरोध किया तो उन्हें काम से निकाल दिया गया। सदर अस्पताल में 20 सफाई कर्मी कार्यरत हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी सफाई कर्मियों ने जान की परवाह किए बगैर अपने कार्य का निर्वहन किया, लेकिन नए संवेदक के आने के बाद ही सफाई कर्मियों को साजिश के तहत बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हम लोगों का पारिवारिक गुजर बसर सदर अस्पताल में काम करके ही होता है, इसके अलावा कोई और काम आता भी नहीं है। ऐसे में संवेदक का दुर्व्यवहार निंदनीय है। नए संवेदक ने जिस तरह से पुराने सफाई कर्मियों को हटाकर नए को बहाल कर लिया, इससे काफी ठेस पहुंची है। इसलिए सभी सफाई कर्मी डीएम के पास समाहरणालय स्थित उनके कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचे हैं। 2006 से काम कर रहे हैं सदर अस्पताल में। अच्छा, तो हम लोग कोरोना महामारी सब में किए हैं सर, जान देकर। और अभी नया ठेकेदार जो आए हैं, उनका कहना है कि हम 7,000 देंगे। पहले बात कर लिए कि हम 9,000 देंगे, अभी बोल रहे हैं कि 7,000 देंगे। करना है कीजिए, नहीं तो जाइए। हमरा सनिक पैसा वेतन नहीं दे रहल छै। के वेतन नहीं दे रहल छै ठेकेदार सर? कहिया तो सनी अस्पताल में काम करै छी? 2006 से। 2006 से काम कर। तकनी कत दै छलो? तकनी 7,500। अच्छा, अखनी? अखनी कई लेल के कि 9,000 देंगे, 4 दिन खटा लिया तब फिर बोला कि 7,000 देंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान मधुसूदन की शोभा यात्रा गुरुवार को धूमधाम से निकाली गई। मधुसूदन मंदिर से भगवान मधुसूदन की शोभा यात्रा गरुड़ रथ पर दोपहर निकाली गई, जो मंदिर से निकलकर मंदार पर्वत तक पहुंची, जहां भगवान मधुसूदन ने पाप हरणी में शाही स्नान किया और उसके बाद भगवान की शोभा यात्रा मधु कैटव स्नान पर पहुंची जहां आसपास के गांव से और दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान मधुसूदन का दर्शन किया। शोभा यात्रा की अगवानी बांका के एसडीओ मनोज कुमार कर रहे थे। पंडा धर्म रक्षिणी महासभा मौसी भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही थी। आयोजन में मंदार क्षेत्र ही नहीं, विभिन्न प्रांतों से आस्थावान श्रद्धालुओं ने भाग लिया और नाचते गाते मंदार तक भगवान को लेकर पहुंचे। भगवान की शोभा यात्रा में साथ चल रहे बैंड पार्टी ने इसकी रौनक और बढ़ा दी, साथ ही उसके आगे नाचते गाते भक्त की टोली चलती रही एवं दूर दराज से श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होने के लिए मंदार पहुंचे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।